एक्सप्रेस न्यूज सच का साथी। दबंगई ना पिछली सरकार में रुकी ना ही इस सरकार में। एक महिला ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देते हुए इको गार्डन में धरना देना शुरू कर दिया है। उसका कहना है कि कुछ दबंग लोगों ने उसके घर पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। इससे निराश होकर वो इको गार्डन पहुंची और धरने पर बैठ गई। पूरी बात महिला की जुबानी खुद ही सुनिए। क्या नाम है आपका? राम सिरे। यहाँ आप धरने पे बैठी हैं, किन मांगों को लेकर आप यहाँ धरने बैठी हैं? मांगों पे बैठे हैं भैया कि हमारा मकान नहीं बनने दे रहे पड़ोसी। कहाँ का मामला है ये? ये धेंदा खेड़े का। अच्छा, क्यों नहीं बनने दे रहे हैं भैया? बगल वाले भैया हमारा पुस्तैनिक मकान है, कही रहे कि वो पीछे करिए। हमारे बाल बच्चे को मारने दौड़ते हैं, जब देखो इनको बच्चे हमारे कि जहाँ जाते हैं देखते वो पीछे लगाते हैं आदमी कि ये कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नहीं जा रहे हैं। और बच्चन हमारे बचाया जाए भैया, और हमको छुरिच्छा मिले हमारे बच्चन को, हमारा घर बनना चाहिए। इसकी सूचना आपने वहाँ थाने पे दी थी? थाने पे दिया हमने, चार चार एप्लीकेशन पांच पांच दिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आलमबाग में दिया है एप्लीकेशन और यहाँ आलमबाग थाने में दिया, वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं हुई है। और वहाँ पारा थाने में दिया हमने 10 एप्लीकेशन, वहाँ भी सुनवाई नहीं। आते क्या कहा जा रहा है वहाँ? वहाँ कहा जा रहा है कि आप पिछाड़ के बनाइए, आपकी जमीन आपने लगे तुम्हारे है, पास रहेगी, कहीं किसी लेगा नहीं, मगर पिछड़ के बना लीजिए। वो लोगों को परेशानी है तो पिछड़ के बनाइए। पारा थाना गाली देते हैं, पुलिस वाले आते हैं तो हम ही लोगों का गाली देते हैं भैया। और हमारे मोहरे के सामने और उसने कैमरा लगा रखे हैं दो ठोरे, हमको ये परेशानी नहीं है कि सड़क पे अपना लगाए कैमरा, जो सबको सुरक्षा मिले। और भैया हमारे मोहरे के सामने किसके द्वारा लगाया गया है? किसके द्वारा ये हमको मालूम नहीं, अपने मकान में वो लगाए है कि हमारा पूरा घर के बच्चे जहाँ पे हम लोग बैठे नहाने धोने सब दिखता है और सब वो देखते हैं कैमरा, फोटो खींचे रहते हैं सब, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नहाते हमारी लड़कियां ना नहा पाती हैं, ना लेट पहुंच पाती हैं, ना धोती सामने धोती हम लोग बांध देते हैं, उसको रात में खोल देते हैं। पकड़े जाए दबंगों, जो हमारे बच्चन को सताया जा रहा है, हमारा मकान बना दिया।